संस्कृत और वैदिक साहित्य में अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है, जहां से हिंदी का शब्द और अर्थ लिया है। हालांकि वैदिक साहित्य में अंतरिक्ष का अर्थ पृथ्वी और भूलोक यानी तारे और सूरज प्रकाशमान पिंड के मध्य की चीजों को अंतरिक्ष कहते हैं। हमें अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग वेदों में बहुत सी जगह पर और पृथ्वी के साथ देखने को मिलता है। इस परिभाषा के अनुसार अंतरिक्ष में धरती के वायुमंडल को भी शामिल कर सकते हैं। वास्तव में अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि हम इसकी और इसके रहस्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनविजिबल नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, हमें पृथ्वी से आसमान नीला रंग का दिखाई देता है, परंतु वहां के अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से सूर्य सफेद दिखाई देता है। अंतरिक्ष में वेल्डिंग के धुएं और गर्म धातु जैसी बदबू आती है। अंतरिक्ष में आप जोर से चिल्लाएंगे तो भी वहां पे आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई माध्यम ही नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह तक आपकी आवाज़ को पहुंचा सके। अंतरिक्ष सूट को बनाने के लिए लगभग 12 मिलियन डॉलर खर्च होते हैं, और आप इस स्पेस सूट को पहनकर सीटी नहीं मार सकते क्योंकि इसमें हवा का प्रेशर कम होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण कम होता है, जिसकी वजह से वहां जाने वाले हर व्यक्ति को बहुत कमजोरी आती है। इस कमजोरी से बाहर निकलने के लिए एक यात्री को 2 से 3 दिन लग सकते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण इंसान की रीढ़ की हड्डी पृथ्वी पर होने वाले खिंचाव से मुक्त हो जाती है, और ऐसे में वो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है तो उसकी हाइट 3 इंच तक बढ़ जाती है। अंतरिक्ष यात्री भोजन में नमक या मिर्च नहीं ले सकते क्योंकि सूखे भोजन हवा में तैरने लगेंगे और इधर उधर टकराने से उनकी आंखों में भी जा सकता है, इसलिए वे द्रव्य के रूप में ही भोजन लेते हैं। अगर आप अंतरिक्ष में धातु के 2 टुकड़े करके एक दूसरे को स्पर्श कर लेंगे तो वह स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। अमेरिका ने 1962 में अंतरिक्ष में हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया था, जो कि जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम से भी 100 गुना शक्तिशाली था। अंतरिक्षयान में अंतरिक्ष यात्री को सोने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक बंक में सोना होता है क्योंकि वो तैरने और इधर उधर टकराने से बच सकेंगे। चीन में वायु प्रदूषण के बढ़ जाने के कारण अब द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अंतरिक्ष से नजर नहीं आती है, जबकि पहले इसको अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आकार फुटबॉल के मैदान जितना होता है। 1966 में अंतरिक्ष में पहली सेल्फी बज एल्ड्रिन द्वारा ली गई थी, जिसकी कीमत आज लगभग 6 से 7 लाख रुपए है। किसी अंतरिक्ष वाहन या यान को वायुमंडल से बाहर निकलने के लिए कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद है दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।